अब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जगह क्या कर सकते थे? नॉर्थ का एब्रिवेशन अगर हम देखें तो नॉर्थ है तो उसका स्मॉल यानी सिंपल अगर देख लें तो वो एन से डोनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वेस्ट को W, ईस्ट को ए से और साउथ को एस से। अब आपके जो हैं ये क्या कह रहा है, प्राइमरी डायरेक्शंस, ठीक है। प्राइमरी डायरेक्शंस के साथ साथ ये दूसरा क्या है, कोऑर्डिनल डायरेक्शंस या कोऑर्डिनल पॉइंट्स। अच्छा, फिर इसके डायरेक्शंस के सेंटर्स में अगर आप देखो तो ये है साउथ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट आ गया और ये नॉर्थ वेस्ट। स्टूडेंट्स ये आप ये क्या कह रहे हैं, डायरेक्शंस, यानी आप इनका सिंबल भी लिख सकते हैं, एन नॉर्थ एस साउथ ईस्ट ई एंड वेस्ट W। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एन ई साउथ ईस्ट एस ई साउथ वेस्ट SW एंड नॉर्थ वेस्ट NW। अब आपकी बुक कॉपी वर्क आपने कैसे करना है, कॉपी वर्क आपने आज की डेट प्रॉपर देनी है, ठीक है। तरीके से होमवर्क लिखना है एंड सैटरडे। यू नंबर टू है, पेज नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर टू आपने लिखना है, नेम द डायरेक्शंस एंड राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ नोट। आज हम सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। नेम द डायरेक्शंस, कल हम टाइप्स ऑफ नोट करेंगे, सही है। सो डायरेक्शंस, मैप आर ड्रॉन ऑन द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, टू मेन डायरेक्शंस, कॉर्डिनल डायरेक्शंस एंड सेकेंडरी डायरेक्शंस, ठीक है। कॉर्डिनल पॉइंट्स आल्सो नोन एज प्राइमरी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। इसके एक डायग्राम भी आप अपने कॉपीज पर बनाने से हैं, इस तरीके से एंड कॉर्डिनल पॉइंट्स से कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डायरेक्शंस, फोर मोर डायरेक्शंस बिटवीन द कॉर्डिनल पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने डायग्राम बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड देन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये क्या कहलाती है, हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन। इन्हें अपनी कॉपीज पे लिखना है, याद भी करना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़।